नमस्कार, अगली बड़ी खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां सेकंड हैंड कार बाजारों पर परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आज दोपहर में परिवहन विभाग ने सेकंड हैंड कार बाजारों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। परिवहन विभाग ने दो कार बाजारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, साथ ही बिना ट्रेड सर्टिफिकेट काम करने वाले कार बाजारों के खिलाफ कार्रवाई कर सेकंड हैंड कार बेचने वाले संचालकों को पाबंद किया। आपको बता दें कि आरटीओ अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा के निर्देशन में जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव द्वारा दोपहर में अजमेर रोड स्थित जेके कार बाजार और चित्रोड रोड स्थित मारुति ट्रू वैल्यू शोरूम पर कार्रवाई हुई। ये दोनों बिना प्राधिकारी पत्र के संचालित पाए गए। यहां से कुल 130 से अधिक कारें जब्त हुई। इन गाड़ियों से सरकार को काफी अधिक राजस्व आने की संभावना है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि आगे भी इस तरह अवैध कार बाजारों पर कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए भीलवाड़ा से नवबारा समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। आज दो कार बाजारों पे जो अवैध रूप से संचालित है उन पे कार्रवाई की गई है, बिना प्राधिकार पत्र के संचालित पाए गए हैं। करीब 130 गाड़ियां जब्त की हैं। आगे भी अवैध कार बाजार जो यूज कार का बेचान कर रहे हैं बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के लगातार जारी रहेगी।